दोस्तों आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में ये बिहार नवादा का वीडियो है और अमन आजाद द एक्टिविस्ट के पत्रकार हैं, उन्होंने कवरेज किया है, उन्होंने जनता से जाकर के आमने सामने बात की है और आने वाले चुनाव में क्या होना है ये बात की। यहां पर बात किसी दल विशेष की भी नहीं है, यहां के लोग किसी दल विशेष को प्राथमिकता नहीं देते कि वो भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीए हो या लोक जनशक्ति पार्टी हो यानी चिराग पासवान जी की। उनका सिर्फ एक कहना है कि यदि सरकार हमारे हित में कार्य करेगी तो हम उसे जिताएंगे और यदि नहीं की तो हम उसका बायकॉट कर देंगे, अलग कर देंगे, फेंक देंगे निकाल करके उसे दूध में से मक्खी के समान। अभी नीतीश कुमार जी की सरकार है बिहार में और उन्होंने पासी समाज के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया है जो कि अभी भी जारी है, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, ताली बंद कर दी गई है। दोस्तों ताली को एक खतरनाक पेय बताया गया है यानी मादक पेय बताया गया है, यदि उसकी शराब से तुलना की जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। ताड़ी मादक पेय नहीं है, नुकसानदायक नहीं है और सबसे बड़ी बात कि पासी समाज की रोजी रोटी का साधन है, उनका पारंपरिक व्यवसाय है। यदि वे ताड़ी नहीं बेचेंगे तो अपना परिवार कैसे चलाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न पूरे पासी समाज के सामने खड़ा हुआ है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा तो बहुत दूर की बात हो गई, उनका पेट नहीं पल रहा है, उनकी भूख नहीं मिट रही है, उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं क्योंकि उनका रोजगार छीन लिया गया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि गलती से भी कोई पासी समाज का सदस्य ताड़ी के का काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल भेज दी जाती है, 8 से 10 हजार रुपए बेल के लिए लगते हैं। अब आप बताइए कि इस परिवार के साथ, ऐसे समाज के साथ ये कितना बड़ा अन्याय है, ऐसे कैसे चलेगा। तो दोस्तों इस चर्चा में उन्होंने यही पूछा है कि यदि ताड़ी नहीं चालू की जाती है तो आप क्या करेंगे। उनका साफ साफ कहना है कि हम नीतीश कुमार जी को वोट नहीं देंगे और उन्हें हरा देंगे। दोस्तों बातें बहुत बड़ी हैं, बहुत लंबी हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को जरूर देखते होंगे, मेरी बातों को समझते होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं दिलीप पासी। मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने बताया कि ये अमन आजाद जी संपादक हैं, पत्रकार हैं, द एक्टिविस्ट के, उन्होंने ये कवरेज की है। चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। पासी जी ताड़ी बंद की कब हो, काहे ढोंग किए नीतीश जी धोखा काहे दिया, हम लोग नीरा बना के दिए, नीरा नहीं लिया, हम लोग का कहा पासी समाज को देंगे, पैसा देंगे, वेतन देंगे, नहीं चालू करेंगे तो नीतीश जी तो इस बार ऐसू फेंका ले नीतीश। हाँ, लोकसभा चुनाव में उनको दो चार गो सीट जो मिल जाए तो वही बहुत आएगा, और कौन आएगा, कौन आएंगे, वही सब मोदी सब उनके अपोजिशन बता देते हैं। जब पूरे विश्व मोदी जी को अच्छा करा तो हम तो एक साधारण व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति है, तो हम नहीं कहेंगे अच्छा। नौकरी कर तो तेरे बेटवा की ना? नहीं, पहला बाप है ही जो करें कि मेरा बेटा नौकरी नहीं करे की ना माहौल। हमारा कुछ नीतीश कुमार से डरो, खुनी चौधरी जी देख ला, हमारा को मतलब जेल बैठा दे तो नहीं जी, खत्म हो जाए सब चीज, भूख तो मार रहा आदमी पब्लिक। हाँ वैसे भी 20 बरस उनको हो गया कार्यभार संभाले, दिमाग उनका सठिया गया। मोदी ढेर काम किया है, जैसे कि 2000 रुपया देता है, पेंशन जनधन योजना चालू किया, सब ठीक है, नल जल दिया, रोजगार है। मोदी कितना लोग रोजगार देगा, क्या 2 करोड़ कहाँ गया? मोदी जी ठीक है कुछ भाई, मोदी बोलिए, मोदी जी महंगाई किए हैं। लालू यादव बोले कि मोदी जी को हम लोग सीना पे चढ़ के भगा देंगे। लालू जी क्या करेंगे, वो तो अपने चक्की पीस रहे हैं। लालू जी तो अपने जेल में चक्की पीस रहे हैं। बोल दो कि हमको सरकारी नौकरी नहीं लेना, हमको सरकारी नौकरी नहीं लेना जिंदगी में भी, जिंदगी में नहीं लेना। ये गलत कर रहा है, 5000-10000 गरीब बेचारा जेल में जाता है, कोई पीएल रहेगा और बड़का को नहीं पकड़ता है, बड़का कान पकड़ता है। हमको तो ऐसा बुझाता है कि नीतीश जी ही बचवा रहे हैं। नीतीश जी अगर नीतीश जी के मर्जी होगा तो पूरे बिहार में लॉकडाउन में एक पत्ता नहीं हिलता था, और उचा लेंगे तो दारू बिहार में बिकेगा। नहीं चालू करेंगे तब क्या करिएगा, हम लोग नीतीश कुमार को बर्खास्त कर देंगे। गुंजन सिंह जानो को तो? गुंजन सिंह गायक है। हाँ। वो अभी धोखा दे करके ग्रामीण जनता नवाजा को ठग करके जो है न, एक गायक है गुंजन सिंह। क्या नाम हुआ चाचा? राजेंद्र साहु। राजेंद्र साहु कौन जात साहु जी? मतलब बनिया। हाँ, तेरी के जीत रहा है अभी 2024 में? हम लोग तो मोदी जी के समर्थन में है। मोदी जी के का है चाचा? जो बढ़िया काम कर रहा हूँ नहीं कहेंगे, जो जैसे कि कौन सी काम, नोटबंदी कराए। हाँ। और बहुत से जो जितना भी 10 काम आप जुड़वाई हमको, 10 काम नहीं आता जो। कैसे मोदी जी बढ़िया, हमारा विचार अपना अपना विचार है, हमारा विचार देखो तो कह लो कि मोदी जी काम किल गए तो की किल खेल। हम लोग को देखो वृद्धा पेंशन दिया 2000 महीना, 2004 महीना पर किसान अथी दिया, ये सब दे रहा है ना, और 10 काम जुड़वाई ना,
अब तक का भाव खाद में सब्सिडी दे रहे हैं, फ्री गल्ला मिल रहा है हम लोग को, अभी क्या 5 केजी फ्री मिल रहा है तो अभी क्या। रोजगार, महंगाई, महंगाई तो सब, कौन सरकार आएगी तो महंगाई नहीं करेगी, तो कोई भी सरकार आएगी तो महंगाई होबे नहीं करेगा। नौकरी कर तो तोर बेटवा की नहीं नौकरी करेगा? नहीं, पहला बाप है जो करें कि मेरा बेटा नौकरी नहीं करे, यही ना। मिल चला रहा है तो नौकरी कहाँ से करेगा? पढ़ा लिखा लगो, आगे नहीं पढ़ते तो। मैट्रिक क्लास के कौन नौकरी देगा सरकार? तो इंटर पास करते जी। इंटर नहीं पास करेगा, पढ़ना लिखना छोड़ दिए, 10 बरस हो गए छोड़ लो। जब पूरे विश्व मोदी जी को अच्छा करा तो हम तो एक साधारण व्यक्ति है, गाँव का व्यक्ति है, तो हमने कहेंगे अच्छा। अच्छा चाचा, तो कोखिन मोदी जी रेल बेच दलखिन, सेल बेच दलखिन, सब कुछ प्राइवेट? उसो हमको नहीं मालूम है कि रेल बेचेंगे कि इंजन बेच देंगे कि क्या बेचेंगे। तू भाई आप लोग जानते हैं, आप लोग बेच दिए? बेच दिए, हमको नहीं पता अभी तक। लालू यादव बोले कि मोदी जी को हम लोग सीना पे चढ़ के भगा देंगे। लालू जी क्या करेंगे, वो तो अपने चक्की पीस रहे हैं। लालू जी तो अपने जेल में चक्की पीस रहे हैं। मोदी बाहर है, चक्की पीसे पीसे बाहर हुए हैं। पर नहीं वोट देते हम लोग, विकास पर देते हैं। हाँ, पूरा एकदम विकास, सब कुछ किया। रोजगार आया है, पठार हम अपने कमाते हैं, अपने कमाते हैं, आत्मनिर्भर। हाँ, बोल दो कि हमको सरकारी नौकरी नहीं लेना है। हमको सरकारी नौकरी नहीं लेना है जिंदगी में भी, जिंदगी में नहीं लेना है। देख लीजिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार, क्या नाम है? राजलक्ष्मी साहु। राजलक्ष्मी साहु, मोदी जी के 10 काम गिनावा। मोदी ढेर काम किया है, जैसे कि 2000 रुपया देता है, पेंशन, जनधन योजना चालू किया, सब ठीक है, नल जल दिया, रोड रोड सब कुछ। कौची रोजगार है, रोजगार कौन चीज? आत्मनिर्भर कितना मोदी, कितना लोग को रोजगार देगा? क्या 2 करोड़ कहाँ गया? 2 करोड़ कहाँ गया? 2 करोड़ इंडिया में 150 करोड़ आदमी है, कई करोड़ के देगा रोजगार सरकारी? मोदी जी ठीक है कुछ चाचा? भाई बोलिए, मोदी जी महंगाई किए हैं और शराबबंदी में जो भी किया तो गलत किया है, कि जो आज गरीब गुरबा लोग भी जेल में है। हाँ। बड़का लोग जेल में है, बड़का लोग जो है पुलिस को पैसा दे करके, पुलिस को पैसा दे करके। अच्छा, तो बिहार सरकार में हाँ गरीब को कौन जाता? गरीब हम पासी, पासी जी। हाँ। ताड़ी बंद की का वो ताड़ी बंद बंद करे। नीरा कहाँ लिया? ढोंग का है किए नीति, हम लोग नीरा बना के दिए, नीरा नहीं लिया। हम लोग का कहा पासी समाज को देंगे, पैसा देंगे, वेतन देंगे, ताड़ी चालू नहीं लिया। हाँ, ताड़ी चालू होना चाहिए और ताड़ी जो है बंद करवा दिए नीतीश जी। काहे बंद करवाए? नीरा नहीं लिए, गरीब को हम लोग का वेतन दीजिए, जन्म भूमि हम लोग 500,000 बरस पहले चालू कर दो नीतीश जी। तब मत करें, लेकिन ये जो है काहे ढोंग किए नीतीश जी? नीतीश जी धोखा काहे दिया? ये नीतीश जी जो आज जो है गरीब लोग के साथ जेल में है, जितना भी गरीब जेल में है, लेकिन बड़का बड़का लोग जो आज है ये लोग भट्टी बनाता है, पुलिस को पैसा दे करके करता है, ये गलत कर रहा है। 5,000-10,000 गरीब बेचारा जेल में जाता है, कोई पीएल रहेगा, अब बड़का को नहीं पकड़ता है, बड़का को कान पकड़ता है। अब क्या चाहते हैं? तो अब अभी तो बिहार में इलेक्शन है। हाँ। 2024 में फिर 25 में तो सुनिए ना, अरे सुना न, तो नीतीश जी से क्या चाहते हैं? ताड़ी प्रतिबंध या चालू? ताड़ी चालू होना चाहिए हम लोग का। हाँ, जन्म भूमि है, 1000 बरस पहले से। हाँ, चालू करेंगे, चालू होना है ताड़ी। ताड़ी हमारा रस है, हमारा जन्म भूमि है, हम सब दिन रस चुलाते हैं। कैसे? कि ताड़ी का रस होता है। कैसे चालू करेंगे? वही बोल रहे हैं कि ताड़ी हमारा, हमको वेतन दीजिए सरकार से। नहीं चालू करेंगे तो वही कह रहे हैं सरकार के, हम लोग का वेतन दीजिए भाई। नहीं चालू करेंगे तब क्या करिएगा? हम लोग नीतीश कुमार को बर्खास्त कर देंगे। हाँ, की नाम हलो? हमारा कुछ नीतीश कुमार से डरो, खुनी चौधरी जी देख ला हमारा को, मतलब जेल बैठा दे तो नहीं जी? जेल बैठावे ताड़ी बंद हो लो, ठीक हो लो, खत्म हो जाए सब चीज। भूख तब मार रहे आदमी पब्लिक, यहाँ ताड़िया बिकवा तो पकड़ पकड़ के इंसान सब कर लिया गया। नीतीश जी ताड़ी बंद किए हैं, ठीक किए हैं? ताड़ी बंद किए हैं और दारू बंद किए जो तो ठीके किए हैं। हाँ। लेकिन सही रूप से संचालन नहीं कर रहे नीतीश जी। हाँ, कहे नहीं, प्रशासन को छूट दे कर करके साइड से दारू बेचवाते हैं, कमीशन लेकर करके। पूरे बिहार में भरपूर मात्रा में दारू बिक रहा है, शराब की बिक्री जारी है, भरपूर मात्रा में पूरे बिहार में बिक रहा है, गांव से लेके शहर तक, पटना से राजधानी में भी दारू बिक रहा है। हाँ। ताड़ी बंद होना चाहिए कि चालू होना चाहिए? ताड़ी तो चलना चाहिए, ताड़ी से कोई दिक्कत नहीं है, जूस है। हाँ, ताड़ी चलना चाहिए, लेकिन दारू पर विशेष रूप से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। खास करके हमको तो ऐसा बुझाता है कि नीतीश जी ही बचवा रहे हैं। नीतीश जी? हाँ,
अगर नीतीश जी के मर्जी होगा तो पूरे बिहार में लॉकडाउन में एक पत्ता नहीं हिलता था, और उचाह लेंगे तो दारू बिहार में बिकेगा? नहीं बिकेगा। अगर नहीं करेंगे चालू तो क्या करिएगा? नहीं चालू करेंगे तो नीतीश जी तो इस बार ऐसे फेंकाले हैं। हाँ, लोकसभा चुनाव में उनको दो चार गो सीट जो मिल जाए तो वही बहुत है। हाँ, वैसे भी 20 बरस उनको हो गया कार्यभार संभाले, वो दिमाग उनका सठिया गया है। हाँ, गुंजन सिंह के जानो को? तो गुंजन सिंह गायक है। हाँ। वो अभी धोखा दे करके ग्रामीण जनता नवादा को ठग करके जो है न, एक गायक है गुंजन सिंह नवादा जिला को। और गुंजन सिंह आ रहे हैं तो हवा दे रहे हैं, और कई बार भी यहाँ MP जीत के गए तो गरीब गुरबा को क्या किए नवादा जिले। आज गरीब युवा को जीत के गुंजन सिंह जीतून की नाची में ठीक अखिन, गाभी में ठीक अखिन, की सांसद बनथिन तो वो ठीक होते नहीं? ठीक होते नहीं तो हेत कर लिए काय वो जनता के पास में गांव में गली में गलखिन रोड पर जाके गरीब गुरबा को गले कोई गांव में। मोदी आएगा और कौन आएगा? कौन आएंगे? आओ यही समझिए मोदी अब बता तो दिए मोदी कैसे की नाम होलो? अरे गल्ला मिल रहा थी 5 किलो। हाँ, 5 किलो गल्ला ओकरे में। बहरहाल हमारे बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में, मतलब किशोर भी हैं, जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अधेड़ भी हैं, सभी प्रकार के लोग हैं। सभी का एक ही मत है और वो मत ये है कि आप ताड़ी को शीघ्र चालू कीजिए, ताड़ी पे जो पाबंदी लगाई गई है उसे हटा दीजिए नीतीश कुमार जी, नहीं तो बहुत ही नज़दीक है लोकसभा का चुनाव, उनका सूपड़ा साफ हो जाएगा, कोई उन्हें वोट नहीं देगा। ऐसी सरकार किस काम की जो लोगों के पेट में लात मारे, उनका ख्याल ना रखे, उनकी रोजी रोटी का ख्याल ना रखे, भूखे मरने के लिए छोड़ दे, बाकी की बातें तो अलग है। अभी जो भी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं सिर्फ एक जुमला है, और ये सरकार बनने के बाद गधे के सर से सींग के जैसे गायब हो जाएंगी। तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो पसंद आता है, पसंद आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर अपने विचार जरूर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, और आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से कैसे सोचते हैं, हमें क्या निर्णय लेने चाहिए, हमें अपने समाज के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहला काम है संगठन बनाना। हमारे पासी समाज के बहुत संगठन हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। दोस्तों मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही हमें कार्य करते रहना है निरंतर। और कुछ लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो हमारे समाज में कहते हैं ना कि जो विभीषण जिसने अपने भाई को ही जान से मरवा दिया था गद्दी पाने के लिए, ऐसे भी बहुत से लोग हमारे समाज में हैं जो कि बरगलाते हैं। यदि कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है तो लैग पुलिंग होती है, उसके पैर को खींचते हैं, इससे पता नहीं उनको क्या मिलता है, या तो वो चिढ़े हुए हैं, या अपने आप से नाराज हैं, या उन्हें किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंची है तो वह अपने ही समाज का नुकसान करने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है, कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों को हम सही मार्गदर्शन दें, और यदि नहीं समझते हैं तो उनका हम बहिष्कार कर दें, उन्हें बहिष्कृत कर दें, क्योंकि ऐसे लोगों का रहना हमारे समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही किसी विषय को लेकर के मैं आपसे फिर मिलूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और जो भी बंधु बांधव जुड़े हैं और जुड़ते जाइए प्लीज़। बिहार में बहुत बड़ी पासियों की संख्या है दोस्तों, एक बार आप मेरे चैनल को बिना पैसे के, मैं किसी प्रकार का इसमें आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है ताकि एक संगठन बने, और उस संगठन का संचालन आप जितने भी आप समझदार इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, आप कर सकते हैं, आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही हो, या फिर कुछ कमी रह रही हो मेरे वीडियो बनाने में, मेरी बात करने में, आपके सामने जो मैं परोस रहा हूँ उसमें, तो आप अपनी राय दे दीजिए, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा और उस पर कार्य करूँगा। मैं बिल्कुल इसके लिए तत्पर हूँ, अपने समाज के लिए कार्य करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।